बहुत सारे लोग हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे झगड़ा हो गया। ब्रीजा का नया मॉडल। तो गाइज अभी पी रहे हैं हम लोग डाइट कोक, लोग जो है ब्रेड पकौड़े अपने फ्राई करवा रहे हैं। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज जो है हल्की हल्की धूप निकली भी है, ज़्यादा धूप नहीं है, तो आज हमने सुबह से जो है ना कपड़े वपड़े सब धो दिए, सारा काम निपटा दिया। तो आज फाइनली वो दिन आया है जिसके चलते मैं रमेश नगर जा रहा हूँ अपने एक क्लाइंट से मिलने। तो फिलहाल आज फटाफट काम निपटाते हैं क्योंकि आज सुबह से हम लगे हुए थे, कपड़े धोए हैं, बहुत सारा काम था। तो अभी टाइम हुआ है, 3 बज चुके हैं, जाने में भी लगभग आधा घंटा लगेगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज हम घर से निकलेंगे, बाहर क्या चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, क्या कुछ रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। गाइस यहाँ पे जिस काम से हम लोग आए थे ना, वो काम तो हमारा हो गया। फिलहाल लगी है भूख, चाय बनवा दी है, और यहाँ पर मैं दुकान पे आया हूँ समोसे लेने। फिलहाल समोसे लेते हैं और चाय पीते हैं, फिर निकलेंगे आगे। तो गाइस भैया ने बोला समोसों में तो लग जाएगा टाइम, तो अभी हम लोग जो है ब्रेड पकौड़े अपने फ्राई करवा रहे हैं। और उधर जो है चाय हमारी तैयार हो चुकी है, उधर कढ़ाई लगती चाय लेके, 2 मिनट में रुक जा, आ रहा अभी हूँ। तो गाइस आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय, चटनी हो रही है, हरी चटनी हो रही है, ब्रेड पकौड़ा। फिलहाल ब्रेड पकौड़ा खाते हैं और चाय पीते हैं। तो गाइज ये वाली बिल्डिंग थी जहाँ हम गए थे, उसके नीचे चाय थी, तो फिलहाल चाय वहीं पी हमने, बहुत मस्त चाय बनाई थी। चाय कैसी थी बता? अब आप कहाँ चल रहे हैं? तो गाइज अभी हम लोग ना आ गए हैं, और ठंड बहुत लगी, लक्की की होगी हालत खराब, क्योंकि ये ना जैकेट हल्की वाली पहन के गया था, क्योंकि इसने अपनी जैकेट तो धो दी थी, तो इसलिए इसकी हालत खराब हो गई है। फिलहाल ठंड लग रही है, तो अभी हम चाय पीते हैं। आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय, और यह है ब्रेड पकौड़े, हमने तो खा लिए थे, मगर ये शहरील और आरुष के लिए आए हैं। ये देखो आरुष खड़ा है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहे हो बताओ? काय की सफाई करनी है, बताओ। अभी तुम पिटोगे, मुंह कैसा बना रखा है ये है? ये देख जैसा खोपचा, खा लो। गाइस आप देख सकते हो कि सबके सब जो है ना फोन में लगे हुए हैं, इधर लक्की फोन में लगा हुआ है और उधर आरुष फोन में लगा हुआ है ना। गाइस अभी इधर बन रही है गर्मा गर्म रोटियां। क्यों नहीं है बाबा? कोई बाबा है नहीं है, डराते रहते हैं ना। है बाबा के पास? मम्मी पास नहीं, मम्मी के पास नहीं, बाबा के पास। मामा। कोई बाबा नहीं आरुष? नहीं। क्यों? एक गुस्सा मारो एक बाबा। किसके बाबा के गुस्सा मारो? चल बाबा के पास आ जा। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, और अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन, और शाम तक लौट के आ जाएंगे। तो देखते हैं आज जो भी कुछ रहेगा, हमें ज़रूरी काम है जिसके लिए हमें निकलना। तो गाइस अभी हम लोग ना रुके हैं रियमना एक्सप्रेस वे पे, और यह है शिव ढाबा, जहाँ पर अभी हम रुक के फ्रेश होंगे और चाय पियेंगे। गाइस आप देख सकते हो भीड़ यहाँ पर बहुत सारी है, उधर बहुत सारे लोग हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर झगड़ा हो गया, मगर झगड़ा नहीं हुआ था, वो रुके हैं फ्रेश होने और चाय पीने। जो ट्रक देख रहे हो ना, उसमें ट्रैक्टर जो है वो लदे हुए हैं, नए ट्रैक्टर हैं वो। और इधर खड़ा है ब्रीजा का नया मॉडल, मस्त लग रही है ब्लू कलर में। गाइस पास से दिखाता हूँ मैं आपको, मुझे लगा था यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, मगर झगड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पर लाइन लगी हुई है, वहाँ पर टोकन मिलता है, फिर वहाँ पर चाय मिलती है, चाय पनीर पकौड़ा और मिक्स। और यहाँ पर ना स्टॉल लगे हुए हैं, उस स्टॉल पे जाके आपको जो कुछ भी खाना है ना, आप उस स्टॉल पे जाके खा सकते। तो गाइस अभी पी रहे हैं हम लोग डाइट कोक, और डाइट कोक पीने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये शुगर फ्री है, और इसमें कैलरीज भी जो है ना वो ज़ीरो है। तो
गाइस जिस काम से हम लोग आए थे वो काम हो गया है, थैंक यू जीसस। और बताऊंगा मैं आपको बाद में क्या काम था, अभी फिलहाल घर की तरफ निकल रहे हैं। तो गाइस अभी रात के बज गए हैं 11:30 या 12 बजे का टाइम है, तो सब सो गए हैं। एक्चुअली मैं लौट के आ गया था 8:30 बजे, फिर मुझे लग रही थी बहुत तेज की भूख, मैंने खाना खाया, फिर मैं बाल कटवाने चला गया, थोड़ी दाढ़ी सेट करवाई, तो थोड़ा टाइम हो गया, तो इसलिए ब्लॉग को मैं थोड़ा सा लेट एंड कर रहा हूँ। मैं आज किस काम के लिए गया था आने वाले टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको पता चल ही जाएगा, बट मैं किस काम से गया था ये मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं आपको ब्लॉग अच्छे लगे हैं हमारे अदर वीडियो भी आप देखिए, अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई ब्लॉग डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आपके पास आ जाएगी। तो तब तक अपना ध्यान रखो, आप सुरक्षित रहो, टेक केयर, बाय बाय। ये देखो अभी ना आरुष अभी तक सोया नहीं है, जगा हुआ है, क्यों जगे हुए हो आप? एंड करने के लिए। हाँ।